नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे स्विकी यूनाइटेड वर्सेस रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच जो होगा मल्टा T10 का आज का दिन का पहला मैच, और इस टूर्नामेंट का ये होने वाला है 5th मैच। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, आज के दिन में जो दो मैच होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड सेम टीम्स के बीच होगा, तो दोनों मैच के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप अगर फर्स्ट मैच खेल रहे हो तो भी अच्छे से देखो, या फिर सेकेंड मैच खेल रहे हो तो भी अच्छे से देखो, क्योंकि हम लोग इन डेप्थ लॉजिक के साथ एनालिसिस करेंगे प्लेयर्स के पास्ट के परफॉर्मेंस। देखो, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, स्विकी यूनाइटेड आपको अगर नहीं याद है तो दोस्तों लास्ट सीजन जो ये खेले थे ना मल्टा T10, वो 2022 का लास्ट क्वार्टर में था, और RST रॉयल स्ट्राइकर्स इन्होंने 2021 वाले सीजन में खेले थे दोस्तों लास्ट टाइम मल्टा T10 में। तो दोनों के एक्सपीरियंस अगर मेरे से पूछोगे तो स्विकी यूनाइटेड का बेटर है, अगर आप टीम कॉम्बिनेशन पूछोगे तो स्विकी यूनाइटेड का बेटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। RST के पास बहुत सारे न्यू प्लेयर्स है, बट अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस T10 खेलने का खास करके स्विकी यूनाइटेड के पास ज़्यादा है, तो मैं इस मैच में स्विकी यूनाइटेड को बैक करूंगा। आप कौन सी टीम को बैक करोगे कमेंट करके बता सकते हो। दोनों ही टीम के बारे में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लाइक करके स्टार्ट रखना। फिलहाल जो 3-4 सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं क्या रहेगा, मल्टा T10, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और दोस्तों अरबियन T20 का पूरा सीरीज कवरेज, साथ ही साथ जिब्राल्टर T10 का भी वीडियो आपको अवेलेबल हो रहा है कहाँ पे, हमारे चैनल पे। तो आप अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड इस मैच का और नेक्स्ट मैचेस के फाइनल अपडेट के लिए जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है, चाहो तो कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उससे भी आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस, लाइक करके स्टार्ट रखना। 90 रन के आसपास एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का फिलहाल, 1:30 मतलब देर बजे ये मैच स्टार्ट होगा। अगला मैच जो होगा 3:30 बजे स्टार्ट होंगे, ठीक है। पार्टली क्लाउडी, लास्ट टाइम जब मैचेस एबंडन हुए थे मैं उससे पहले बताया था दोस्तों ड्यूरिंग मैच टाइम बारिश नहीं था, बट जो प्रॉब्लम था वो ओवरनाइट रेन, जिसके कारण वेट आउटफील्ड और मैच कैंसिल हुआ था 4 का 4 मैच। बट आई होप यहाँ पे फिलहाल इस मैच को गाइस आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा, और बारिश होने के चांसेस नहीं है, स्लाइटली क्लाउडी है, बट वेट आउटफील्ड इशू नहीं हुआ तो मैच कंप्लीट आराम से हो जाएगा। न्यूट्रल विकेट है, शॉर्ट बाउंड्रीज रहेंगे जो T10 फॉर्मेट में हमेशा आपको दिखता है। स्विकी यूनाइटेड से अगर हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लेस सिलेक्टेड प्लेयर्स मिलेंगे, पता है आपको कसीम मोहम्मद जिनका सिलेक्शन बहुत लेस है आपके लिए जहर पीक है, ओपनिंग आ सकता है, बॉलिंग भी करा सकता है, तो एक बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन भी है और मस्ट है। वह विवोर यादव, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये स्पेन से आ रहा है, ग्रासिया पे खेलता था, स्पेन क्वालिटी थोड़े से मुझे ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हुए दिखे हैं मल्टा से, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि विवोर यादव आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स दे सकता है, ग्रैंड लीग कैप्टन और स्मॉल लीग में भी बहुत ही शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन पीक है। अनिल कदीर आपको वन डाउन खेलते हुए दिखेंगे, थोड़ा स्लो खेलता है, तो गाइस अगर 4-5 ओवर बाद विकेट गिरा तो इमरान अमीर आ सकता है, अगर 6-7 ओवर के बाद विकेट गिरा तो वकर अफरीदी, जो सबसे बड़े बड़े दो हिटर है इस टीम का वो है इमरान अमीर और वकर, खास करके वॉकर गाइस बहुत ही अच्छा हिटर है और बहुत ही शानदार विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी होंगे ये। अगर आप हम लोग इनके रिकॉर्ड्स देखते हैं तो हरिकृष्णन, देखो हरिकृष्णन से मुझे लगता है इनके ओपोनेंट की विकी मुझे ज्यादा बेटर लग रहे हैं, तो हरिकृष्णन मेरी टीम का मस्ट पिक नहीं रहने वाला है गाइस। दोस्तों हरिकृष्णन ने 8 T10 के मैचेस खेले थे, 9 का एवरेज से 52 रन और 1 ओवर में 1 विकेट था, मैंने इनका रिकॉर्ड मिस किया था एक्चुअली। मोहम्मद उस्मान अगर देखोगे दोस्तों तो 9 मैच में 33 रन था इनका, क्या इन दोनों को लेना है, देखो यार ये टीम स्ट्रांग है, हमें क्या करना है कि इस टीम से ना मैक्सिमम पॉसिबल बॉलर्स को ट्राई करना है क्योंकि ओपोनेंट टीम वीक है, तो इसीलिए मैं हरिकृष्णन मोहम्मद उस्मान दोनों को इग्नोर करूंगा। अनिल कदीर प्लेयर बहुत अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट किया तो आपको रखना ही पड़ेगा, खास करके दोस्तों अगर ओपनिंग करता है, अगर विवोर यादव खेलता है तो शायद ही विवोर यादव ओपन कर जाए, अदरवाइज दोस्तों आपको अनिल कदीर भी ओपन करते हुए दिख सकते हैं। 25 T10 के मैच में 20 का एवरेज से 351 रन है इनका दोस्तों अनिल कदीर का। अयूब खान 1 मैच में 1 ही रन है गाइस। अट्टा रबी अगर देखोगे 7 मैच खेला है अट्टा रबी ने, 7 का एवरेज से 50 रन बनाया, 1 ओवर में विकेटलेस, ये प्लेयर्स में से अनिल कदीर ठीक ठाक मुझे लग रहे हैं, स्पेशली इफ देखो ना बैट फर्स्ट, और या फिर दोस्तों अगर विवर यादव नहीं खेलता है तो उस कंडीशन में ये ओपन करा लेगा। उसके बाद दोस्तों
कासिम मोहम्मद ये इस टीम का ओपनर है। 9 मैच में 150 रन, 17 का एवरेज से 12 ओवर में 5 विकेट। देखो हर मैच में ओवर कंप्लीट तो नहीं कराता है, बट नंबर ऑफ ओवर्स 12 है जो 1.5 से कम है थोड़ा। स्टिल बॉलिंग भी करा लेता है, ओपनिंग भी आएगा, स्ट्रॉन्ग टीम से बिलोंग करेगा, मस्ट हैव हो जाएगा कसिम मोहम्मद। इमरान अमीर जनता का कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं भी प्रेफर करता हूँ एसके कैबीसी स्पेशली। देखो ना बैट फर्स्ट जरूर से, क्यों मैं बताया देखो ना बैट फर्स्ट, उस कंडीशन में इनको बैटिंग से भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलने वाला है। 16 मैच में T10 का 22 का एवरेज से 263 रन, 24 ओवर में 12 विकेट, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है। डिफॉल्ट पीक है मेरे हिसाब से, आपके लिए मस्ट पीक होना चाहिए। अब देखो जनता शायद कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, थोड़ा सा रिस्क हो, बट आपको अगर सही में रिस्क लेना है, विवोर यादव, इन्होंने ग्रासिया में खेला है, 35 मैच में 40 का एवरेज से 990 रन बहुत होता है, 58 ओवर्स में दोस्तों 31 विकेट है इनके पास। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शानदार मुझे पिक लग रहे हैं SKFBC विवोर यादव, मस्ट हैव है SKFBC। बिलाल कादिर 24 मैच 37 ओवर 12 विकेट, शायद आपका ओपनेंट ड्रॉप करे, बट नंबर ऑफ ओवर्स वेरी डिसेंट, वेरी प्रॉमिसिंग, 1.5 है इनका ओवर रेट, शायद आपको ओवर भी कंप्लीट कराते हुए दिखे, लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी करते हुए दिखेगा, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो बिलाल कादिर को। मोहम्मद अजमल 13 मैच खेला है 22 ओवर, बहुत अच्छा है इनका ओवर रेट, 13 मैच में 22 ओवर बहुत होता है, क्योंकि 13 मैच में कोई बंदा 26 ओवर डाल सकता है T10 में, इन्होंने 22 डाला है जहां से इनको 8 विकेट्स भी मिले हैं और लोअर ऑर्डर हिटिंग। अरसलान अहमद 18 मैच में 25 ओवर में 12 विकेट है, चाहो तो रख सकते हो, इनका भी ओवर रेट वेरी डिसेंट है, बट मोहम्मद अजमल का मुझे जो लग रहा है कि 13 मैच में 22 ओवर बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है मोहम्मद अजमल। अरसलान का भी डिसेंट है 18 मैच में 25 12, उमर उल्ला का 18 मैच में 18 ओवर, नंबर ऑफ ओवर्स कम है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी उल्ला का कम मुझे लग रहा है, तो मैं अरसलान और सबसे पहले अजमल को ट्राई करने वाला हूँ दोस्तों एज बॉलर, ठीक है। बिलाल कादिर भी ठीक ठाक, आसिफ शाह 27 मैच में 43 डिसेंट है, 27 मैच में कोई बंदा 54 ओवर डाल सकता है, इन्होंने 43 डाला, ऑलमोस्ट ओवर रेट 1.5 है, 9 विकेट, विकेट टेकिंग एबिलिटी आसिफ शाह का थोड़ा सा कम है दोस्तों। वाकर अफरीदी, देखो जनता इनको ले ही नहीं रहा है, मैं अपनी टीम में कैप्टन बनाने वाला हूँ वाकर अफरीदी को। 9 मैच में T10 का अल्लाह, 25 का एवरेज से 224 रन, 18 ओवर, हर मैच में 2 ओवर कंप्लीट है, 6 विकेट। लास्ट सीजन इस टीम का MVP प्लेयर था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे दोस्तों, कौन? वाकर अफरीदी। अमृत सिंह 6 मैच में 12 रन, इग्नोर करेंगे। अध्ययन 10 मैच में 7 ओवर में 7 विकेट। दोस्तों ये 4-5 प्लेयर के रिकॉर्ड मिले नहीं, ये पहले T10 खेले नहीं थे इस टीम के लिए या फिर इस कंट्री में, तो इनके रिकॉर्ड मिलना सीरियसली बहुत मुश्किल है। मैं ढूंढ रहा एक डेढ़ घंटा मैंने ढूंढा, फिर मिला नहीं, सोचा यार वीडियो लेट हो रहा है, शायद इनका रिकॉर्ड मिले ही ना, स्टिल अगर मिलता है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। RST से अगर देखोगे तो कुशलेश कोपक्का, ऑगस्टिन थॉमस, राजू ओ मोहम्मद जीरोम होगा इनका बैटिंग ऑर्डर। ये टीम ना बहुत ज़्यादा मुझे वीक लग रहा है इनके से, इस टीम से जो सेविन थॉमस ठीक ठाक खेल रहा था ना, वो भी शायद इस बार इस टीम का पार्ट ना बने, तो गाइस मुश्किल होगा इस टीम को विन करना इस मैच में। ऑगस्टिन ने 8 T10 मैच में ना सिर्फ 7 का एवरेज से 42 रन बनाया। कुशलेश कोपक्का इस टीम से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, 17 T10 मैच में ना 8 का एवरेज से 132 रन, रन कितना कम है देखो, एवरेज भी कितना कम है, 21 ओवर में इन्होंने 8 विकेट भी निकाला है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि बैट बॉल दोनों से आपको पॉइंट देने वाला है। सनीश मन्नी 12 मैच में 38 रन केबल, ए बला 3 मैच में 0, अश्विन राजू 9 मैच में केबल 43 रन, 1.4 ओवर रेट, 2 विकेट। शरीफ मोहम्मद 10 मैच में इन्होंने 22 रन बनाया, बट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 16 ओवर बॉलिंग के साथ भी किया है। शरीफ मोहम्मद राइट आर्म स्लो, आई थिंक ये आफ्टर पावर प्ले बॉलिंग कराएगा तो एक आधा विकेट निकाल जा सकता है, ठीक ठाक पीक है शरीफ, बैट बॉल से पॉइंट देगा। जैसन जेरम 10 मैच में 16 ओवर 4 विकेट, स्पेशली देखो ना बॉल फर्स्ट जरूर ट्राई करना, अगर डेथ ओवर में आएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है तो ट्राई कर सकते हो 2 ओवर डालने वाले। रेजित अब्राहम 9 मैच में 2 ओवर में विकेट लेस। क्लिंटो पॉल 12 मैच में 15 ओवर 4 विकेट, चाहो तो रख सकते हो, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है दोस्तों क्लिंटो पॉल का, इवन जेसन जेरोम का भी कम है, ऐसा नहीं कि उनका ज़्यादा है, बट इन्होंने 12 मैच खेला, उन्होंने 10 मैच खेला। सेविन थॉमस मुझे लगता है कि शायद ये प्लेयर ना खेले, अगर खेलता है तो आपको ओपन करते हुए दिखेगा। सेविन थॉमस और सेवियो थॉमस भी अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन में इस टीम के लिए, शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे, कोई एक भाई तो अवेलेबल नहीं होने वाला।
11 T10 मैच में इन्होंने 82 रन 14 ओवर में 4 विकेट रख सकते हो इनको एज बॉलिंग ऑलराउंडर प्ले करता है दोस्तों। जेस मैथ्यू इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग बॉलर है, 11 मैच में 16 रन है 20 ओवर में 14 विकेट, इनका विकेट टेकिंग एबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है इस टीम के लिए। तो दोस्तों अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो जरूर लेना। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, एक चीज़ क्या होता है कि ऐसे जो मस्ट पिक बॉलर्स होते हैं ना वो अक्सर आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी दे जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, टीम क्या करते हैं कि जो अपना बेस्ट बॉलर है ना उनसे पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं और उनको अगर पिटाई दे दिया, देखो विभोर यादव इनको आराम से पिटाई कर देगा, आराम से बिंदास पिटाई कर देगा, तो ऐसे कंडीशन में ये प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं। उदय मैकमिलन ने 9 मैचेस खेले 2019 में, 57 रन 22 ओवर 5 विकेट, 2018 में 3 मैच 8 ओवर 5 रन 3 मैच 8 रन 5 ओवर 1 विकेट। दोस्तों इस टीम से तो बहुत सारे प्लेयर्स की रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टाइम्स पे ना मैचेस थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, बट हम लोग ये टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट किया स्विगी यूनाइटेड तो इनके फेवर में टीम बना सकते हैं और एक अच्छा विनिंग कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि स्विगी से ही फेवर करो टीम, और इतने सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड नहीं मिलने के रीजन से ना थोड़ा तो रिस्की बन जाता है मैच। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस मैच को ट्राई करो, अदरवाइज अवॉइड करना है तो आप क्विट भी कर सकते हो। चलो चलते हैं हम लोग दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम में। फिलहाल गाइस मैंने ये टीम क्रिएट किया जहाँ पे हमारे कैप्टन है विभोर यादव, वाइस कैप्टन है दोस्तों हमारे पास वकर अफरीदी, मेरे पास दो और ऑप्शन है दोस्तों, ये एक कैप्टन वाइस कैप्टन, ये एक कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर ये बंदा नहीं खेलता है विभोर यादव, शायद मैं वकर को कैप्टन बना के इनको वीसी बनाऊँ या फिर इनको वीसी बनाऊँ, ये थोड़े ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये बैट बॉल दोनों से पॉइंट देने वाले हैं। और दोस्तों ये बैटिंग से आपको ज़्यादा पॉइंट देगा कासिम मोहम्मद, बी कादिर है हमारे पास, ए अहमद है, अरसलान अहमद है। देखो मैंने मोहम्मद अजमल को नहीं लिया, ये मैंने आफ्टर टॉस कॉल रख लिया, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाला है दोस्तों मोहम्मद अजमल, क्योंकि उनका ओवर रेट बहुत अच्छा है। दोस्तों ये एक और प्लेयर है जिसके साथ मैं रोटेशन शायद कर लूँ, फिलहाल कोपक का एस अहमद हमारे पास है, जे मैथ्यू है, एम ऑगस्टिन। फिलहाल दोस्तों मैंने ये टीम क्रिएट किया, इस मैच के रिलेटेड कोई भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों टेलीग्राम आप जुड़ जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।